नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक्निकल एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टेस्ट पेपर फर्स्ट। इसके अंदर हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ये लाइनमैन के अंदर आए हुए क्वेश्चनों से 23 तारीख आल शिफ्ट के अंदर से आए हुए क्वेश्चन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को ग्लोबल टेक्निकल एजुकेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और लिंक को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अपना, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा? देखो फ्रेंड, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है प्रतिरोध के बारे में। तो उस सीरीज क्रम में जो रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र होगा वो होगा R1 + R2 + R3 + RN, यानी कि जितने भी प्रतिरोधों की संख्या है उनको क्या करते जाएंगे, गुणा। ये तो हो गया समान या असमान मान के लिए। अगर समान मान के हो तो क्या करेंगे, R गुणा N, यानी कि प्रतिरोध की संख्या, एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोध की संख्या, उनको मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा अपना आंसर। यहाँ तीनों प्रतिरोध असमान है तो इसलिए R1 + R2 + R3 का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड, जो R1 का मान कितना है, 10, 20 और 30, जब तीनों का जोड़ करेंगे तो कितना जाएगा, 60 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसको हम एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड। तो ये अपना एक सीरीज डायग्राम हो जाएगा, इसमें R1, R2 और R3 जुड़ा हुआ है तीनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में R1 + R2 + R3 का सूत्र लग जाएगा। और देखो फ्रेंड, जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहेगा, समय समान, और वोल्टेज का मान क्या रहेगा, हर प्रतिरोध में अलग अलग। और फ्रेंड, जो श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस आएगा, कुल टोटल रेजिस्टेंस आएगा, वो अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक आएगा। देखो यहाँ पर जो मैं रेजिस्टेंस था वो अधिक से अधिक कितना था, 30 ओम, और अपना जो आंसर आया वो क्या है, 60 ओम। तो यानी कि हम देख सकते हैं अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक आंसर आएगा अपना। बढ़ते हैं अपने पहले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, वोल्टेज के लिए धारा के परिवर्तन की दर के अनुपातिक होता है। तो फ्रेंड, इसमें आएगा सी ऑप्शन, प्रेरित्र। जो लेंज का नियम होता है, लेंज का नियम क्या होता है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी कारण विरोध होता है, नहीं कि किसी, मान लो कि कोई कुंडली या कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाएंगे तो वो उसी कारण विरोध करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज के लिए धारा के परिवर्तन दर के अनुपातिक हो जाता है, सी ऑप्शन, प्रेरित्र है इंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाले डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है। तो फ्रेंड, जो ये वेरिएबल प्रकार का जो कैपेसिटर है, इसमें देखो बीच में कुछ खांचे दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक जो अचालक पदार्थ भरेंगे वो क्या होगा? तो इनके अंदर होगा बी ऑप्शन, हवा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोध के साथ जुड़ी हो तो 5 ओम कि प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा? फ्रेंड, सबसे पहले इसके से बैटरी जोड़ते हैं। बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट। फ्रेंड देखो, क्रम है समांतर क्रम, 3, 5, 10 और 20। तो फ्रेंड, समांतर क्रम में आपको याद रखना कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम है, जैसे घरों की सप्लाई जो होती है, कनेक्ट वायरिंग होती है, वो समांतर क्रम में होती है। और समांतर क्रम चाहे इसे हम रसोई के अंदर देखो या फिर बाहर देखो या फिर कमरे के अंदर देखो, हर प्लग के अंदर वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान। तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान हमेशा क्या रहता है, समान। तो इन चारों प्रतिरोधों के अंदर जो अपने सप्लाई स्रोत है उसी के समान वोल्टेज रहेगी, यानी कि 10 वोल्टेज ही रहेगी। तो ऑप्शन सी अपना इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो समांतर क्रम है तीनों में क्या रहेगी, हमेशा समान। फ्रेंड, जो समांतर क्रम वोल्टेज समान रहेगी, लेकिन कुल प्रतिरोध का मान अगर बात करें, कुल प्रतिरोध का टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा इसमें कम मान के प्रतिरोध से भी कम आएगा।
अगला क्वेश्चन अपना, किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टर 2 एम्पीयर का करंट लेता है तो पूरे सर्किट में वोल्टेज का मान क्या होगा? फ्रेंड पूरे सर्किट में वोल्टेज का मान निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए ओम के नियम के अनुसार एक सूत्र होता है जिसकी वी बराबर आई इंटू आर, तो वी बराबर आई इंटू आर हो जाएगा, और आई बराबर वी अपॉन आर, और आर बराबर वी अपॉन आई, तो इनमें से हमें निकालना है वोल्टेज, तो हमारा सूत्र लग जाएगा वी बराबर आई इंटू आर। तो जो सर्किट है, सर्किट में क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट में 33 ओम का तो रेजिस्टेंस है और 2 एम्पीयर की क्या जुड़ी, 2 एम्पीयर क्या बह रही है परिपथ में धारा, तो फ्रेंड 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और 33 ओम का क्या है प्रतिरोध है, तो हमें निकालना है वी, दो राशियां दे रही है, तीसरी राशि हम निकाल सकते हैं, तो आई की जगह हम आई को 2 एम्पीयर रखेंगे और आर की जगह हम 33 ओम को रखेंगे, तो दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 66 वोल्टेज, तो ऑप्शन सी आ जाएगा अपना आंसर 66 वोल्टेज। चलो बढ़ते हैं हम अपने पहले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है? तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जिसका सर्किट डायग्राम होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, श्रेणी संयोजक के तुल्य प्रतिरोध, तुल्यांक की प्रतिरोध, अब देखो इसमें दे रखा है कि श्रेणी संयोजक के लिए तुल्यांक की प्रतिरोध, ऑप्शन ए सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन बी सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक, ऑप्शन सी सबसे कम प्रतिरोध से कम, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर, सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर, तो फ्रेंड सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर ये तो होगा नहीं, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर ये भी नहीं होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध से कम ये तो होगा ही नहीं, कि समांतर श्रेणी, देखो श्रेणी के अंदर तो अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक और समांतर में कम मान के प्रतिरोध से भी कम, तो यहाँ अधिक मान से भी अधिक कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। अगर बात करें हम सी ऑप्शन की, अगर यहाँ समांतर पूछता तो क्या होता, कम मान के प्रतिरोध से भी कम, जो श्रेणी में क्या आ जाएगा अधिक मान से भी अधिक, और श्रेणी क्रम में जैसे कि फ्रेंड मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था कि धारा का मान क्या रहेगा समान और वोल्टेज का मान अलग अलग, अगर इसी का हम बात करें प्रतिरोध समांतर के समांतर में क्या जाएगा इसका विपरीत, वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। तो फ्रेंड यहाँ अगर हम सर्किट के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पर 5 के ओम, यहाँ 10 के ओम और यहाँ 7.5 के ओम है, ठीक है फ्रेंड, तो इन प्रतिरोधों के अंदर अगर वोल्टेज चेक करेंगे हम समांतर क्रम में, तो यहाँ वोल्टेज अलग रहेगी, यहाँ अलग, यानी तीनों प्रतिरोधों में वोल्टेज मान अलग अलग रहेगी लेकिन धारा का मान क्या रहेगा हमेशा समान। अगर हम बात करेंगे टोटल रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन था बी आ रहा था अपना, देखो 5, 10 और 7.5 ओम, तो इनको जो काउंटिंग करेंगे हम सूत्र के अनुसार आर टी बराबर R1 + R2 + R3, तो 5, 10, 15, 7 मेरी जगह 22.5, तो आंसर क्या है अधिक मान, देखो अधिक मान सबसे 7.5 था, इससे भी अधिक आ रहा है अपना आंसर, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सूत्र था ये अपना R1 + R2 + R3, इसके अनुसार 22.5। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? फ्रेंड देखो सीरीज और समांतर दोनों सर्किटों के लिए ठीक है, हम इसको एक प्रतिरोध के माध्यम से समझते हैं, तो ऑप्शन ए था अपना, एलिमेंट में अलग अलग करंट होती है, करंट संयोजक होते हैं, वोल्टेज संयोजक होते हैं, पावर संयोजक होते हैं, ए और बी दोनों, देखो एलिमेंट में अलग अलग करंट होते हैं, अगर हम श्रेणी की बात करें श्रेणी में धारा समान रहेगी लेकिन समांतर में अलग अलग, फिर वोल्टेज की बात करें श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग लेकिन समांतर में सेम, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो जाएंगे गलत, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। अब वोल्टेज सीता वोल्टेज भी अलग अलग रहती है, एक में समान श्रेणी में तो अलग अलग और समांतर में अलग, तो ये भी हो जाएगा गलत, लेकिन पावर जो इनकी शक्ति, भाई मान लो कि यहाँ कोई एक व्यक्ति है, इसकी क्षमता है 10 kg वजन उठाने की, आर टू है जो इसकी 20 kg उठाने की है, तो चाहे से समांतर में यूटिलाइज है श्रेणी में उठाएगा तो 10 kg, ये 20 kg उठाएगा, तो क्या हो जाएगा पावर संयोजक होते, यानी पावर संयोजक क्या रहेगी दोनों में सही यानी समान रहेगी। अगला क्वेश्चन है अपना,
और दोस्तों अपने साथ साथ अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप एक लाइक तो बनता है, और अपने चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है, यानी जो पेपर कैपेसिटर जो रोल टाइप कैपेसिटर होता है वो सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है। देखो डिस्क, गोलाकार, ये तो होगा नहीं, ट्यूब, मैसेड फ्लैट। देखो आप अगर डायग्राम से समझ सकते हो, जो पंखे का कैपेसिटर होता है, जो सीलिंग फैन का कैपेसिटर होता है, क्या होता है, रोल टाइप होता है, तो वो कौन सा कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, रोल्ड फॉइल, यानी कि रोल्ड गोल प्रकार, यानी रोल्ड। तो इसके अंदर जो दो कंडक्टर प्लेट होती है और बीच में क्या होता है, इंसुलेटर, फिर इनको रोल्ड करके क्या बनाया जाता है, इनका कैपेसिटर। कैपेसिटर पर जो इस तरह के जो पीसीबी में जो कुछ छोटे छोटे लगे होते हैं, जिन्हें हम कंडेंसर बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैपेसिटर संधारित्र। अगला क्वेश्चन है अपना, शनिवार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, खालिस्तान होने पर सनवांग की विद्युत प्रतिरोधता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि मान लो कि दोनों की लंबाई बढ़ रहा है, तो उनकी प्रतिरोधता क्या रहनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सूत्र देखते हैं, तो आर बराबर रो सी एल बटा ए, यानी कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल के विपरीत चलेगा रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ देखते हैं कि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, तो या तो 1 मीटर बढ़ रहा है या 1 सेंटीमीटर, दोनों में लंबाई और क्षेत्रफल में दोनों में डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ तो मामला गड़बड़ाएगा, आंसर दुर्ल रहेगा। सी ऑप्शन देखते हैं, 1 मीटर 2 मीटर यहाँ सेम नहीं है, या 1 सेमी और 2 सेमी है डिफरेंट है, या 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये डिफरेंट है। लेकिन यहाँ 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर तो उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, 1 मीटर ही उसका क्या बढ़ा रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध क्या रहेगा उसका, जितने का जितना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगर 0.2 प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दूनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, जो लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो यहाँ समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यह क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 प्रतिरोध का तो रेजिस्टेंस, जो वायर है उसका प्रतिरोध है, उसके लंबाई में क्या कर रहे हैं हम, दुगना। तो वो फ्रेंड यहाँ पर जो उसका एल है, एल को क्या कर रहे हैं, दुगना, और आर का मान कितना है, 0.2। तो अगर हम एल को दुगना कर रहे हैं तो यहाँ पर रो को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आर गुणा एल बटा ए। जो वायर है, वायर की लंबाई हमने क्या कर दी, दुगनी, तो जो आर किससे मल्टीपल हो जाएगा, एल, एल से। तो एल का मान कितना हो रहा है, 2, और यहाँ 0.2 है, तो अगर 0.2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ऑप्शन ए, 0.4 ओम। यानी कहना है क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर प्रतिरोध लंबाई के साथ तो बढ़ेगा, लंबाई के साथ ही घटेगा, यानी लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध घटे, जो लंबाई में परिवर्तन होगा वही प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। अगर क्षेत्रफल से हम छेड़खानी करेंगे तो इसका विपरीत क्या चलेगा, रेजिस्टेंस। तो वो यहां पर अगर हम देखते हैं कि एक एक मीटर का 3 mm का वायर है, इसका प्रतिरोध मान रहे हम आर ओम, ठीक है, इसको हम 1 मीटर से बढ़ाकर हमने इसको कितना कर दिया, 2 मीटर, तो कितने से गुणा हो जाएगा, 2 से, यानी कि 2 आर इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमने इसको 2 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 मीटर, तो कितने से गुणा किया हमने, 3, यानी 3 गुणा बढ़ रहा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3 आर। अगर फ्रेंड आप भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इनके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओममीटर का पाठ्यांक क्या होगा। आप देखो, शॉर्ट जो कैपेसिटर है उसके लिए पाठ्यांक अनंत, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि शॉर्ट तो मैं कैपेसिटर है, तो उसके लिए तो ओममीटर का पाठ्यांक अनंत, कुछ किलो ओम, कुछ मेगा ओम, कुछ गीगा ओम, या फिर शून्य।
आंसर हो जाएगा अपना शून्य। फ्रेंड ये एक क्या क्या अपना ओमीटर, डिजिटल प्रकार क्या है ओमीटर, इसको हमें अगर चेक करना हो तो एक जो ब्लैक वायर है उसको कहाँ लगाएंगे हम, कॉमन के ऊपर सेट करेंगे, और एक वी या फिर ओम लिखा हो उसके ऊपर सेट करेंगे, और फिर दोनों को हमसे क्या कर देंगे हम, जो अपने टर्मिनल है कैपेसिटर के उनके ऊपर सेट करेंगे, और कभी भी इनको शॉर्ट ना करें। ये डिजिटल प्रकार का ओमीटर, और सबसे पहले इनको रेजिस्टेंस को सेट करना है। अगला क्वेश्चन है अपना, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। देखो जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम की विद्युत जो प्रतिरोधकता है कनेक्टिविटी उसके बारे में हम जानना है कि कितनी होती है। तो जो फ्रेंड जो जर्मेनियम है इसकी 1896 में इसकी खोज की गई थी, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 32, और जिसमें के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो फ्रेंड अगर जिसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या एनर्जी लेवल की जो 4 हो तो वह कहलाएंगे अर्धचालक, और अगर 4 से कम आ रहे हैं, जैसे कि मान लो कि 1, 2 या 3 आ रहा है, 3 तक आ रहा है तो वह कहलाएंगे चालक, अगर फिक्स 4 आ रहा है तो वह कहलाएंगे अर्धचालक, अगर 4 से अधिक आ रहे हैं तो वह कहलाएंगे कुचालक के अंदर। तो फ्रेंड जो इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 41, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 32, और परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या में से कह रहती है समान। फ्रेंड अगर हम देखते हैं इनके अंदर जो कंडक्टर, मान लो कि सिल्वर, सिल्वर की जो प्रतिरोधक का मान होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁸, कॉपर का होगा 1.7 × 10⁻⁸, और एल्यूमिनियम होगा 2.7 × 10⁻⁸, और जो आयरन लोहा होगा 10 × 10⁻⁸। अब बात करते हैं अर्धचालक, और अर्धचालक तो देख रहे देखो कंडक्टर की जो चालकता, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 4 से कम, इनके होंगे 4, और इनके होंगे 4 से अधिक, तो जर्मेनियम की जो होगी वो 0.46, सिलिकॉन की 2300। बात करें कुचालक की, तो कुचालक के अंदर ग्लास, ग्लास की जो प्रतिरोधकता होगी वो 10⁻¹⁴ तक, और लकड़ी की 10⁻¹⁸ से 10⁻¹ⁱ, और जो क्वार्टर है उसकी 10⁻¹³ से, और जो रबर है 10⁻¹³ से 10⁻¹⁶। हमारा क्वेश्चन था जर्मेनियम की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है 0.46, तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन देखते हैं तो यह आ रहा है 0.46 ओम मीटर, तो अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है देखो फ्रेंड, जो अगला क्वेश्चन है वह है 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वोल्ट। तो फ्रेंड क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों प्रतिरोध क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी कि जो तो 250 वोल्ट देगा 500 वाट, और दूसरा पहला लैम्प और दूसरा लैम्प दोनों का, तो इसके लिए हमें अगर पी का फॉर्मूला आ रहा है, यानी पी निकाल पी दे रखा है और वी दे रखा है, तो इसके लिए हमें कुछ एक पी का एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। पी बराबर देखो यहाँ पर जो वेरिएबल जो राशियाँ दे रखी उनमें से कौन कौन सी राशि हमें मैच कर सकती है आर निकालने के लिए, तो हमें आर अपना यहाँ पर आर निकालने के लिए 3 सूत्र होते हैं, वी अपॉन आई, पी अपॉन आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर अपॉन पी। देखो यहाँ पर वी दे रखा है और पी दे रखा है, तो उसके लिए हम आर वन का पहले लैम्प वन का आर वन निकालेंगे, फिर लैम्प पे टू का आर आर टू यानी जो प्रतिरोध निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात आ जाएगा अपना 2.5 ओम। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर का विपरीत क्या होता है। देखो फ्रेंड जो कैपेसिटर होता है उसका जो विपरीत होता है वो होता है, देखो रिलेक्टेंस इसका विपरीत होगा, कंडक्शन सस्पेंड एडमिटेंस, ये तो सब चालक के यानी अचालक के होंगे, लेकिन जो सबसे अलग है कैपेसिटेंस का विपरीत होगा यहाँ पर सी ऑप्शन इला स्टेट। देखो जो कैपेसिटेंस है उसको सी अपॉन क्यू अपॉन वी हो जाएगा, यानी कि सी कैपेसिटेंस, क्यू चार्ज और वी वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है अपना रजत रंग में लेपित कार्बन प्रतिरोध की सहायता यानी सहनता कितनी होती है। देखो रजत यहाँ बात कर रहे हैं रजत यानी कि चांदी, किसकी बात कर रहे हैं चांदी की, तो कुछ सिल्वर जो सिल्वर का जो सही वो जो सहिष्णुता होगी यानी कि जो उसका प्लस माइनस जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, गोल्ड के लिए मानते हैं हम 5%, सिल्वर के लिए 10%, और नो कलर के लिए 20%। ये एक अपनी कलर कोड सारणी है, उसके अनुसार ये मान में रखना है, उसके लिए कलर कोड सारणी में याद करनी होगी।
तो यहाँ 20, 10, 20, 5, 1, 2 ये तो होगा नहीं, लेकिन 10% अपना सेलुलर ग्लैंड इमेज कर रहा है तो ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक प्रतिरोध नारंगी, फिर से नारंगी, काला, बैंगनी कलर का प्रतिरोध क्या होगा? देखो हमें इसके लिए एक सारणी याद करनी होगी। देखो काला 0 इनके पहला अंक, दूसरा अंक, गुणांक और सहिष्णुता। अगर जो प्रतिरोध प्रतिरोध में कितनी पट्टियां दी होती है, 4 पट्टियां। देखो 4 पट्टियों के लिए हम लिखते कैसे, अगर पहला मान उसको वैसे ही लिखेगा, पहला होता नारंगी, 3 नारंगी कौन से क्रमांक पे है, 3 लिख देंगे, फिर नारंगी, फिर से दूसरी दूसरी जो पट्टी है उसके अंदर 3 आ रहा है, नारंगी 3 नंबर पे है तो 3 नंबर वापस वैसे वैसे लिख देंगे। यानी सर्वप्रथम 2 अक्षरों को हमें एक साथ लिखना है, फिर लिखना है बीच में मल्टीपल, तो मल्टीपल बी यानी कि जो एम ब्लैक, तो यहाँ ब्लैक के लिए 10^1 लेना है, कितना लेना है 10^1 यानी कि 310, ठीक है। फिर बात करते हैं वी वॉलेट बैंगनी, बैंगनी के लिए आ जाएगा, तो यहाँ देखते हैं बैंगनी के लिए चौथी पट्टी में कोई सही सुनता है, कोई प्रतिशत नहीं है, यहाँ पर जो कितना जो है 10^1 ये 1000 नहीं होगा, 1000 किसके लिए होगा, नारंगी के लिए होगा 1000, 10^1 तो यहाँ ब्लैक था, ब्लैक के लिए यानी कि जो 10^1। अब बात करते हैं हम इसको मल्टीपल, तो जो मल्टीपल होगा 33 × 10 तो कितना जाएगा 330, कितना जाएगा 330 ओम। तो देखो यहाँ पर 330 किसी के अंदर नहीं देगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका ओम आंसर 330 ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन को क्या बना लेंगे हम 330 ओम। अगला क्वेश्चन है अपना, सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है और श्रेणी समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, इसके लिए कुल कितनी करंट की आवश्यकता होगी? देखो धारा का मान पूछ रहा है, धारा के लिए हमें सूत्र निकालना, I बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा R। तो यहाँ पर हम अगर अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो V का मान कितना है 125 और R का मान 100, जब हम 125 में 100 का भाग देंगे तो अपना आंसर क्या निकल जाएगा 1.25, और जहां पर 1.25 दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा बी 1.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों का प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 20 ओम है, दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? जो लास्ट क्वेश्चन था यानी जो भी क्वेश्चन आया था कि उसके 5.2 आंसर आ रहे थे, उसकी उसी के अनुसार ये क्वेश्चन अपना हल हो जाएगा। तो इसको दो अगर हम हल करेंगे त्रिज्याओं के अनुसार क्षेत्रफल निकाल के, तो इसका आंसर क्या जाएगा ए ऑप्शन 2.1। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चिन्ह निम्न में से कौन सा संगठन एक मानक संख्या, तो यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, इसके लिए हमें सिंबल सिंबल देखने होंगे, सिंबल में से क्वेश्चन का कहना होगा कि यह सिंबल किसका है, तो यह सिंबल है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का। तो अगर प्रतिरोध हम कुछ और सिंबल देखते हैं, तो साधारण प्रतिरोध, तो साधारण प्रतिरोध का जो पुराना प्रतीक था वो कुछ इस तरह से, और जो नया प्रतीक आई इलेक्ट्रेंड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के अनुसार जो नया प्रतीक है वो किस तरह का है, ये हो गया ट्रिमर। देखो ट्रिमर के अंदर पुराना प्रतीक और ये जो है नया प्रतीक, ये पोटेंशियोमीटर का जो सिंबल हो जाएगा, ये थर्मिस्टर का सिंबल हो जाएगा, और रियोस्टेट, देखो रियोस्टेट और जो पोटेंशियोमीटर दोनों में डिफरेंट, जो पोटेंशियोमीटर है वो एक वेरिएबल प्रकार का है, यानी कि वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल प्रकार का वोल्टेज डिपेंड है, वो वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए काम आता है। और यहाँ पर देखो एरो का निशान अगर क्रॉस में है तो क्या हो जाएगा रियोस्टेट, अगर टेपिंग नुमा है तो क्या हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। इसके बाद आता है फोटो रजिस्टर या फोटो या एलडीआर, अगर फोटो एलडीआर कहाँ काम आता है, अगर लाइट प्रकाश की जो मान लो कि 2 एरो का निशान आ रहा है तो क्या हो जाएगा एलडीआर। ये कुछ सिंबल है जो सिंबल के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपना, समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध 20 ओम, 100 ओम, 50 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा? देखो फ्रेंड्स समांतर क्रम में, समांतर क्रम सीधी सी बात यह तो जाहिर है कि समांतर क्रम है तो कम मान के प्रतिरोध से भी कम मान आएगा आंसर, ये तो कन्फर्म है कि कम मान के
प्रतिरोध से भी कम मान। अब यहां देखते हैं तीनों अलग अलग मान के, तो सूत्र क्या लगेगा, वन अपॉन आर टी बराबर वन अपॉन प्लस आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। जब हम इसको समीकरण में रखेंगे अपने सूत्र के अंदर, तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, 12.5 ओम। तो बी ऑप्शन क्या जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ 20 ओम है, तो 20 ओम से क्या आ रहा है, ये कम आ रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है। देखो पोटेंशियोमीटर से अलग है, देखो पोटेंशियोमीटर एक तो वोल्टेज को कम ज्यादा करने में काम आता है, ठीक है, जैसे वोल्टेज रेटिंग तो कम होती नहीं है, इसमें बड़ी संख्या के मोड ये भी नहीं है, इसमें बड़ी संख्या की टैपिंग सुविधा है। देखो टैपिंग इसके अंदर तीन ही, तीन वायर है, अधिक से अधिक दो टैपिंग या एक टैपिंग निकालते हैं हम, तो अपना क्या जाएगा, बी ऑप्शन, इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। ये पोटेंशियोमीटर है और इसका जो सिंबल होगा इस तरह से अभी देखा ही था हमने, इसका सर्किट डायग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्ट से संचालित हो रही है, उसमें संगीत बजना के दौरान 0.9 एम्पीयर करंट प्रवाहित हो रही है, तो उसमें आउट ऑफ पावर, तो हम इसे क्या निकालनी है, पी, शक्ति निकालनी है। तो पी निकालने का जो सूत्र होगा, पी बराबर वी इंटू आई। तो पी का हमें वी का मान दे रखा है 11 वोल्ट और धारा का मान दे रखा है 0.9, ये कितनी हो जाएगी, जब मल्टीपल करेंगे तो 9.9 वाट, यानी कि सी ऑप्शन। देखो फ्रेंड इसको हम अगर हम चाहें तो दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन देखो दूसरे फॉर्मूले से हमें निकालना क्या था, इसमें पी, तो पी बराबर क्या होता है, वी आई, ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहाँ वी आई होता है, ठीक है। अगर हमें इसके दूसरे फॉर्मूले से निकालना हो, तो जैसे कि ई का मान निकालना है, तो पी बराबर तो वी आई हो जाएगा और पी बराबर हो जाएगा आई वी, तो पी निकालने का फॉर्मूला एक हो जाएगा वी स्क्वायर आर और एक हो जाएगा आई स्क्वायर आर। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ दो मान दे रखे हैं, वी और आई, तो हमें सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, पी बराबर वी आई। उनके लिए हमें सबसे पहले, अगर मान लो कि हम आर के मान से निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आर का मान निकालना होगा, यानी कि क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा, तो हमें उससे पहले पी का फॉर्मूला याद रखना होगा, पी बराबर वी आई। तो P बराबर VI निकालना, डायरेक्ट दो राशियां दे रखी, तीसरी मान हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 120 वोल्टेज पर चलने वाली टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है, तो उसकी शक्ति, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन अगर आया अपना, लेकिन यहाँ पर R दे रखा है, क्या दे रखा है, R, तो और निकालना क्या हमें, P, तो P निकालने के लिए फ्रेंड जैसे मैंने कहा था कि वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो P दे रखा, P निकालने का जो सूत्र हो जाएगा E अपॉन स्क्वायर आर या आई स्क्वायर आर या वी आई, तो ई का हम मान वी भी मान सकते हैं और आई भी, ई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, क्योंकि दो राशि दे रखी और तीसरी निकालनी है, तो वी दे रखा है और आर दे रखा है, तो वी का मान 120 स्क्वायर अपन 60, तो जिसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। अगर फ्रेंड ऐसा ना निकाल कर डायरेक्ट हम अलग अलग निकालें, क्योंकि हमें तो दो ही सूत्र याद है, पी और वी आई और पी बराबर वी आई, P बराबर वी आई और आई बराबर वी अपॉन आर, तो उससे तो इसके लिए हमें थोड़ी देर पहले धारा निकालनी होगी, धारा निकालेंगे तो कितने आएगी, 2 एम्पियर। अब धारा निकल गई तो वी भी है और आई भी है, तो P का मान निकालना, तो P बराबर वी आई, तो 120 × 2 तो कितना हो जाएगा, 40 वाट। लेकिन थोड़ा ये लंबा पड़ जाएगा, तो इसके लिए हमें सूत्र याद रखना, पी बराबर वी स्क्वायर आर, तो कितना आ जाएगा, 40 ओम। तो ये अपने जो 12 फॉर्मूले हैं पी आई और वी आर के, इनके अनुसार जो क्वेश्चन होगा वो और आसानी से हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, 11 ओम के प्रतिरोध की पावर आपूर्ति 12 वोल्ट, बैटरी की आवश्यकता करंट क्या होगी। देखो वही में धारा निकालनी, धारा बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वी अपॉन आर, तो वी का मान कितना है, 12, और धारा का मान जो प्रतिरोध है वो है 11, तो आई निकाल देते 12 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 1/0.9, तो कहाँ पर मैच कर रहा है, ए ऑप्शन के अंदर, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1.09 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखो फ्रेंड जो आदर्श, जो आइडल जो एमीटर होता है, उसका जो अगर हम बात करें प्रतिरोध की, देखो तो अगर एमीटर किस क्रम लगता है, श्रेणी क्रम, सीधी सी याद रखना कि एमिटर श्रेणी क्रम में लगता है। अगर प्रतिरोध अगर हम इसका अनंत कर देंगे, देखो मान लो प्रतिरोध अधिकतम कर देंगे, धारा का बीच में रुकावट हो जाएगी,
तो गुजरेगा नहीं धारा। तो इसलिए प्रतिरोध क्या रखना है हमें, अगर बीच में देखो मान लो कि अपने रोड के ऊपर अपनी गाड़ी चल रही है, बीच में ब्रेकर आ रहे हैं बार बार में, तो गाड़ी की स्पीड क्या आएगी स्लो। अगर हाईवे रोड में बिल्कुल ब्रेकर नहीं आ रहे तो गाड़ी की चलेगी अपने पार, तो उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह को रुकावट नहीं हो तो मीटर के श्रेणी क्रम में लगता है, इसके कारण इसका जो प्रतिरोध होगा आदर्श का वो क्या रहेगा शून्य, लेकिन चालकता क्या रहेगी इसकी अनंत। अगर बात करें आदर्श वोल्ट मीटर की, तो फ्रेंड जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में लगता है, अगर प्रतिरोध शून्य होगा तो उसमें पूरी वोल्टेज जाएगी वो जल जाएगा, तो उसका प्रतिरोध क्या रहता है आदर्श का अनंत और चालकता क्या रहती है उसकी शून्य। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टर वाला सर्किट होता है। फ्रेंड इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टर वाला सर्किट होता है, तो देखो वोल्टेज मल्टीप्लाई ये होगा नहीं, वोल्टेज फ्लोर अलग है, वोल्टेज रेगुलेटर ये वोल्टेज कम ज्यादा करने स्पीड रेगुलेटर काम आएगा, वोल्टेज रेगुलर ये होगा नहीं, तो वोल्टेज डिवाइडर ऑप्शन ए अपना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर का उपयोग। तो फ्रेंड जो मेगर होता है, मेगर हमेशा इंसुलेशन टेस्ट या उच्च प्रतिरोध मापने के लिए काम आता है। तो मेगर के अंदर एक डिजिटल छोटा छंड जनित्र होता है, या फिर अगर डिजिटल वाला हो तो उसमें बैटरी होती है। तो यहाँ पर हम केबल का देखे अचालक प्रतिरोध नाप रहे इंसुलेशन नाप रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसको देखो रेजिस्टेंस सेट करना होता है इसका सबसे पहले, उसके लिए देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अपना मेगर से प्रयुक्त कहाँ किया जाता है, निम्न उच्च प्रतिरोध निम्न धारिता निम्न प्रतिरोध, यहाँ उच्च प्रतिरोध क्या जाएगा हाई इंसुलेशन मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम मेगर का, तो ऑप्शन डी अपना क्या जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, मीटर था ये एनालॉग वाला हैंडल वाला था, इसमें एक डीसी संचालित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, और साथ साथ फ्रेंड अपने यूट्यूब चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, अगर वीडियो में कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता क्या होगी। देखो तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, सी बराबर क्यू अपॉन वी हमें ना, या फिर देखो तो इसी का अगर हम पक्षांतर करेंगे तो क्यू बराबर वी क्यू बराबर सी वी या क्यू बराबर वी सी, अगर वी का मान निकालना हो तो उसका पक्षांतर कर देंगे वी बराबर क्यू अपॉन सी, और सी का मान निकालना हो तो क्यू अपॉन वी। इसको हम अगर त्रिभुज की सहायता देखें तो जैसे हमने वी बराबर I into R एक त्रिभुज को समझ रहे हैं, उसी तरह हम इसको Q और VC रख देंगे, जिसका मान निकालना हो उसको छुपा लेंगे उसका मान आ जाएगा। यहाँ देखो हमें C का मान निकालना है, और C C जो यूनिटों के किसमें मान आएगा फेरेड के अंदर, Q कूलाम V वोल्ट के अंदर। देखो तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है और 24 कूलाम, तो कूलाम में किसको नापते हैं क्यू आवेश को नापते हैं, तो सबसे पहले हम क्यू को रखेंगे, क्यू का मान कितना है 0.24, फिर बात करते हैं V की, V का मान कितना है 10, तो C का मान कितना आ जाएगा 0, जब भाग देंगे हम 0.24 में 10 का, तो यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 0.024 फैरेड, तो ऑप्शन कहां पर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो फ्रेंड मानव शरीर की गिली त्वचा का प्रतिरोध खालिस्तान किस सीमा में होता है। फ्रेंड यहाँ पर मानव की गीली त्वचा का प्रतिरोध पूछा, देखो फ्रेंड जो गीली त्वचा का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग होता है 1000 ओम, तो यहाँ 1000 ओम ऑप्शन में नहीं दे रहा, लेकिन कितना दे रखा है 1 किलो ओम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखो फ्रेंड अगर हम बात करें जो शुष्क की स्किन होगी, जो शुष्क त्वचा होगी उसका होगा, यानी कि जो प्रतिरोध यानी कि 1 लाख से लगभग 6 लाख ओम तक क्या हो जाएगा शुष्क त्वचा का प्रतिरोध, अब बात करते हैं वेट स्किन और गीली त्वचा, इसका हो जाएगा 1000 या 1 किलो। अब बात करें हेड सिर से पांव तक, यहाँ हो जाएगा 400 600, अगर कान टू कान की बात करें हम तो कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड यहां से हो जाएगा 100 ओम, आप अगर अधिक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये डायग्राम के माध्यम से इसको आप समझ सकते हो कि किस तरह से कहां प्रतिरोध होगा और कितनी मिली एम्पीयर पे कितनी धारा कहां बहेगी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन था उसके अनुसार दो ऑप्शन था क्या अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 10 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो समान धारिता यानी धारिता का मान क्या होगा। देखो फ्रेंड श्रेणी क्रम में पूछा है, तो श्रेणी क्रम में देखो कैपेसिटरों का मतलब क्या करना है, प्रतिरोध का उल्टा किसमें लगेगा कैपेसिटर के अंदर,
प्रतिरोध का उल्टा कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ जो सीरीज कैपेसिटर के अंदर जो यहाँ समांतर का सूत्र लग जाता प्रतिरोध में, यहाँ यहाँ क्या किस में लगेगा श्रेणी में। तो टोटल अब कैपेसिटर निकालना था 1/C1 प्लस C2 प्लस CN, यानी जितनी प्रतिरोध की संख्या वो निकाल रहा हूँ। अगर समान मान का हो तो क्या करेंगे हम, CT बराबर C/N, यानी कि कैपेसिटर का जो मान है और उनकी जो जो संख्या कितनी है वो। अगर समांतर की बात करें तो जो श्रेणी में निकल जो प्रतिरोध का श्रेणी में लगता है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर समांतर क्रम में। तो यहाँ पर सभी का टोटल कर देंगे तो क्या जाएगा समांतर क्रम में, यहाँ सभी समान मान के दे रखे हैं तो डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा। तो कितने प्रतिरोध है, एक का मान कितना है 10 और टोटल जो कैपेसिटर कितने हैं 3। तो अगर हम 10 में 3 का मान 3.33, तो डी ऑप्शन है कि 3.33 माइक्रो फैराड अपना क्या जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सुचालकता कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। सुचालक यानी कंडक्टर का गुण है, नहीं देखो विद्युत धारा का सुचालक, तो वोल्टेज में वृद्धि, विद्युत के उपयोग में उच्च का उतना और गलना गुण नहीं होना चाहिए। अब देखो धारा का सुचालक होना चाहिए भाई, वोल्टेज में वृद्धि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कमी तो ना हो ना। अगर विद्युत के उपयोग में वृद्धि है भाई, कोई भी अगर प्रयोग है तो उसमें अधिक से अधिक उसका प्रयोग करें सुचालक का, उच्च का उतना और गलनांक भी होना चाहिए। लेकिन उसका अगर उच्च प्रतिरोध हो गया तो वो तो इंसुलेटर या अर्धचालक में शामिल हो जाएगा, फिर चालक थोड़ा रहेगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों को अलगाव बट गया है तो उसकी धारिता क्या होगी। देखो फ्रेंड जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होगा सी बराबर A/D, यानी कि जो क्षेत्रफल के तो क्या हो जाएगा समानुपाती, और जो उसके दूरी है दूरी के वृत्त क्रमानुपाती। तो यहाँ हम क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो उसका जो प्लेटों का क्षेत्रफल है उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो धारिता इसकी क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। तो ऑप्शन है बी रहेगा आंसर आ जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है 60 और 6 वोल्ट का EMF स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोध लैंप के साथ जुड़ा है, तो 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, तो सभी तार प्रतिरोध मुक्त है, तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो वो यहाँ पर लैंप का प्रतिरोध पूछा, तो R बराबर V/I के अनुसार देखेंगे तो कितना जाएगा 3 ओम, बी ऑप्शन अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला प्रतिरोध कैपेसिटर सर्किट यानी कि RC श्रेणी RC परिपथ में क्या होगा। तो यानी कि जो श्रेणी RC परिपथ है इसमें तो वोल्टेज करंट का निर्धारण, देखो वोल्टेज करंट का निर्धारण नहीं करता है RC के अंदर, वोल्टेज करंट के साथ फेज ये प्रतिरोध के अंदर होगा। लेकिन जो अपना अगर कैपेसिटर लग गया तो उसमें धारा क्या आ जाएगी 90 डिग्री आगे चलेगी, करंट के साथ 180 ये भी नहीं होगा, लेकिन करंट वोल्टेज का क्या करेगी निर्धारण, क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो 90 डिग्री क्या हो जाएगी आगे। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कम प्रतिरोध वाले मान को खालिस्तान के इस्तेमाल से सटीक तरीके से मापा जाता। तो फ्रेंड जो ओम मीटर होता है प्रतिरोध मापने के लिए काम आता है, मेगर उच्च वेन ब्रिज काम होगा नहीं, मल्टीमीटर इससे नहीं, लेकिन जो केल्विन ब्रिज है डबल ब्रिज है उसकी सहायता से हम क्या नाप सकते हैं कम मान के प्रतिरोध। तो इसके अंदर जो मैं दो बिंदु होते हैं उनके मध्य क्या लगाएंगे हम रेजिस्टेंस, और इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं उनके अंदर हमें क्या करना होता है सेट रेजिस्टेंस को सेट करना होता है, एक पुश बटन होता है जो ताकि बार बार हमें पुश करके देखना पड़ता है कि प्रतिरोध का मान सेट हुआ या नहीं, और एक होता है इसमें गैलोनोमीटर, और एक होता है एक्सटेंशन बैटरी टर्मिनल। अगर बैटरी जो मीटर है उसकी बैटरी खराब हो जाए तो उसके अलावा हमें एक्सटेंशन की आवश्यकता के लिए 2 टर्मिनल दिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर 1 किलो ओम 2 किलो ओम 7 किलो ओम के 3 रेजिस्टर्स एक सीरीज से 30 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हो तो कुल प्रतिरोध और कुल धारा ज्ञात करें। देखो इसमें कुल धारा और कुल करंट हमें निकालनी हो, तो सबसे पहले हमें कुल प्रतिरोध निकालेंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में 1 किलो ओम 2 किलो ओम और 3 किलो ओम 7 किलो ओम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 किलो ओम। तो 10 किलो ओम 3 के अंदर दे रखें तो 2 तो अपने ऑप्शन क्या हो जाएंगे कट, बचे 3 ऑप्शन, एक में 3 एम्पियर दे रहे हैं 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ मिली एम्पियर का तो अगर 10 किलो अगर मिली एम्पियर का सवाल ही नहीं है, तो सीधी सी बात है ए ऑप्शन क्या जाएगा आंसर। अगर हमें धारा निकालनी है तो धारा निकाल सकते हैं 10 किलो
और v का मान देखो, v v v बराबर r t, यानी v बराबर r निकालना है तो 30/10 क्यों नहीं, 3 एम्पियर। तो ऑप्शन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रत्येक 4 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर को तो सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी धारिता क्या होगी। देखो 4 माइक्रोफेरेड के 2 सीरीज में जोड़ रहे हैं, इसमें श्रेणी में, तो कैपेसिटर का समांतर क्रमिक सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर। हम जो समांतर क्रमिक सूत्र लगा था उस पर यहाँ लगा, देखो श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रमिक सूत्र लगा था वो लगेगा। तो यहाँ पर तो पहले देखते हैं मान असमान है समान, यहाँ मान है समान, तो C अपॉन क्या लगा देंगे N, तो 4/2 तो कितना आ जाएगा 2 पिको फेरेड। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन क्या जाएगा अपना आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर वीडियो में कुछ क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया हो या किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।